5 मिनट बढ़ते ना हमारा क्या। हाँ, बच्चे हो, बूढ़े थोड़ी हो। बूढ़े होते ना तो उनको थक जाता है तो, अरे आप बूढ़े थोड़ी हो, उनको एक थक जाता तो एक ऊपर कर देते, दूसरा थक जाता दूसरा ऊपर कर देते। आप बूढ़े हो क्या, बच्चे हो, बच्चे तो कैसे बैठने चाहिए। 3 घंटा एक आसन पर बैठ सकते हो आप, और अगर 3 घंटा बैठ गए तो दुनिया में जो चाहोगे कर सकोगे, जो चाहोगे। अभी तो आप इतने चंचल हो कि आप एक जगह पर बैठ नहीं सकते। पद्मासन में बैठो तो 15 मिनट पद्मासन में बैठो, हिलो मत, बस कहीं बैठो जब तक कि आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेते, जब तक आप अपना काम अच्छा। पढ़ाई करने बैठो तो एक स्थिरता से आसन में बैठो, नीचे बैठो, जमीन पे बैठो, पलथी मार के बैठो, पूर्वाभिमुख होकर बैठो, जहां सूर्य उदय होता है वहां पढ़ने बैठो, जो पढ़ोगे याद रहेगा। पर समय सुबह 4 से 6, 4 बजे उठो, कोई भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, याद रह जाएगा। आप पढ़ोगे रात को 10 बजे, 10 बजे तो वैसे ही ऊंगे आती है, ऐसे करोगे तो पढ़ोगे क्या। रात को सो जाओ फटाफट 8 बजे, 8:30 बजे सो जाओ, सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठो, हाथ पैर मुंह धो, सरस्वती माता को वंदना करो, विद्या की देवी अपने गुरुदेव को प्रणाम करो, मैं बैठा हूँ देख पढ़ने के लिए, पूर्व जहाँ हो वहाँ बैठो, स्थिर आसन से पढ़ो, है उसका बाप भी याद रहेगा। नेपोलियन बोनापार्ट कैसे थे पता है आपको, सेनापति थे अपने अपने बचपन में, वो इतने होशियार थे कि वो ट्रेनिंग लेते थे घोड़े की, घोड़ा चलाने की ट्रेनिंग लेते थे, क्योंकि उन्हें सेनापति बनना था, उनके पिताजी भी सेनापति थे, तो उन्हें घोड़े की ट्रेनिंग लेते थे, घोड़े को समझना, घोड़े के साथ बात करना, घोड़े को कैसे चलाना, कैसे फास्ट करना। आप जैसे स्पोर्ट्स कार की कैसे ट्रेनिंग लेते हैं ना, ऐसे वो घोड़े की ट्रेनिंग लेते थे। एक्स्ट्रा टाइम में वो घोड़े की ट्रेनिंग लेते थे, पर उनकी मोटी मोटी किताबें इंग्लिश की वो घोड़े पर बैठकर पढ़ते थे, घोड़े पर बैठकर पढ़ते थे 138 पेज पर जो लिखा है वो पढ़ लिया और पेपर फाड़ के फेंक दिया। हम कितनी बार पढ़ते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, और पेपर खत्म हो जाए, जैसे मैंने एक पेज खोला, ठीक है मैंने पढ़ लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। घोड़ा चलता जाता था और वो पेपर फाड़ते फेंकते जाते थे। जब किताब बंद हो जाती तब वो कहते हैं कि इस पूरी 138 पेज की पूरी किताब में से किसी भी पन्ने पर क्या लिखा है आप मेरे को पूछ लो, मैं बिना रुके आपको बता सकता हूँ। ये ताकत होती है बच्चों में, ऐसी ताकत होती है बच्चों में। हम तो मस्तियों से ऊंचे नहीं होते, हमारा टारगेट ही नहीं, कैसे बच्चे होने चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट देखो, महाराणा प्रताप देखो, ऊपर से झूलते घोड़े को पैर से उठा लेते थे, ऐसा हेल्थ होना चाहिए। एक मुक्का मारो ये टूट के बाहर निकल जाए, कुछ तो होना चाहिए, या तो अपने शरीर को बनाओ या अपने मन को बनाओ, बुद्धि को बनाओ। आइंस्टीन ने क्या खोजा पता है आपको, कौन जानता है आइंस्टीन की क्या रिसर्च थी। बिजली ढूंढी आइंस्टीन ने, ऐसे ही ढूंढ ली क्या, उसको मेहनत नहीं करनी थी। 3 दिन 3 रात ना उसने खाया ना उसने पिया, पत्नी पास में रखकर चली जाती थी, उसे ये तक याद नहीं रहता था कि मुझे भूख भी लगी है, तब जाके वो आइंस्टीन बनते और तब कुछ खोज होती है। पता है ना अर्जुन कितनी प्रैक्टिस करता था, वो पक्षी की आंख में मारने की कितनी प्रैक्टिस करता है ना, तब जाके वो मछली की आंख पर मार पाया ना। प्रैक्टिस करो किसी भी चीज की, प्रैक्टिस। हमने भी प्रैक्टिस ही की ना, ये वाली प्रैक्टिस बार 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 इसकी प्रैक्टिस हो जाती थी। हम देखते थे थोड़े दिनों के बाद तो सब लोग आते थे, उसके मन की बात हम बोलते थे। आज भी लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं जो लाइन में आते हैं, हम बोलते हैं आप कैसे बोल देते हो, है कि नहीं, आज भी वो वाली चीज है। केवल मुझे ऑर्डर देना होता है ब्रेन को, बता इसके दिमाग में क्या चल रहा है, सारा ऐसे खुली किताब की तरह आ जाता है।
आप में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, आप में सामर्थ्य है आपके पास। बस इसके लिए चाहिए एक तो आपकी दृढ़ निश्चयता चाहिए, दूसरा आपकी जो बिखरे हुए साधन है मोबाइल फोन ये वो, उससे आपको परहेज करनी चाहिए, बार बार आपके लक्ष्य की ओर स्मरण करना चाहिए, और तीसरा आपके पास ईश्वर का और गुरु का अथाह बल है मेरे साथ, ये दृढ़ निश्चय फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी इस दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जीवन का लक्ष्य बनाओ, कुछ बनाओ, या संस्कृति की रक्षा हो, चाहे देश की रक्षा हो, चाहे कुछ ऐसा हो कि गरीब गरीबों की मदद हो, मैं ऐसा करूंगा, गायों की सुरक्षा, कुछ भी हो, पर ऐसा कुछ कि आप वो बनने के बाद किसी और को मदद रूप हो सको, ऐसा लक्ष्य, समाज को मदद हो, देश को मदद हो, देश को कुछ प्राप्त हो, गुरु को कुछ प्राप्त हो, या संस्कृति को कुछ प्राप्त हो। केवल ऐसे जॉब करके 25,000 की मर जाना लाइफ नहीं है। एक बार हमने भंडारा किया था आवा डांग में, आदिवासी इलाका है, पूरा आदिवासी इलाका है, और वहाँ पर भोजन रखा था आमरस पूरी दाल सब्जी और चावल, इतनी चीज़ें, केवल आमरस खाने के लिए उन्होंने आम नहीं देखे, आमरस खाने के लिए 105 साल की औरत 20 किलोमीटर पैदल चल के आई थी। क्या कहो, क्या बोलोगे उस गरीबी को, क्या कहोगे आप, कितने साल की, 105 साल की, खाना खाने के लिए केवल 20 किलोमीटर चल के आई, क्या गरीबी होगी। आप जा सकते हो क्या 20 किलोमीटर चल के कहीं केवल खाना खाने, नहीं जा सकते। आपके घर में थाली मिलती है इसलिए आपको कदर नहीं, आप ऐसे इलाकों में चले जाओ बहुत गरीबी देखकर आपका दिल कांप जाता, इसीलिए भोजन की थाली आपके सामने आए तो ईश्वर का धन्यवाद करो कि आपको उसने दिया, पर उसे बचाकर किसी और के मुंह में डाला जा सकता है जो आप डस्टबिन में डालते हैं। मुझे तो शादियों में देखकर भी हैरानी होती है, शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है, ऐसे थाली आई आपने डाला ये नहीं खाना, फेंक दो, खत्म, इतना वेस्टेज। वहां वो 20 किलोमीटर चल के खाना खाने आते हैं और हमारी थाली में जो है वो हम डस्टबिन में डालते हैं, इट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर ना। हम 40 रुपए का बर्गर खा जाते हैं 100 रुपए का, और वो 2 रुपए की रोटी खाने के लिए 20 किलोमीटर चल के आता है, तो बहुत विषमता है समाज में। तो जो बच्चे दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को खाना पहुंचाते हैं, दूसरों की के हमदर्द बनते हैं, उनका हमदर्द तो स्वयं परमात्मा होता है।